बैक टू माई चैनल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी इवनिंग रूटीन। आफ्टरनून में एक घंटे का नैप लेने के बाद मेरी इवनिंग हो जाती है 4 बजे के करीब। इस वक्त टाइम हो गया है 4:15 और ऊपर बालकनी में खड़ी होकर मैं देख रही हूँ बाहर मौसम आज बहुत अच्छा है, बहुत क्लाउडी है और ये ग्रीनरी जो है वो आँखों को बहुत ज़्यादा भाती है। तो थोड़ी देर यहाँ 5-10 मिनट रुकने के बाद मैं नीचे जाऊँगी। अब आ गई हूँ मैं नीचे। बेटे को मैथ्स की ट्यूशन के लिए जाना है, वो अपना बैग रेडी कर रहा है, उतनी देर में मैं उसके लिए वाटर बॉटल फिल कर दूँगी। चले जाने के बाद आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इवनिंग जो है टी टाइम। तो पानी चढ़ा दिया है मैंने चाय के लिए और आप देख रहे होंगे कि 2 पतीली रखी हैं मैंने चाय की, एक बन रही है पापा और मम्मा के लिए और दूसरी साइड पे मेरे लिए, जिसमें मैंने एक में डाला है बड़ी इलायची, छोटी इलायची और मीठी सौंफ। और साथ ही मैं एक पैन में डाल रही हूँ देसी घी क्योंकि मुझे मखानाज रोस्ट करने हैं। और पानी बॉयल हो गया है मेरी चाय का भी, जिसमें डाल रही हूँ मैं ग्रीन टी। गर्म होते ही मैंने इसमें डाल दी थोड़े सरसों के दाने और साथ ही कड़ी पत्ता, थोड़ा सा इसको सौटे करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें थोड़ा सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है और पापा मम्मा भी स्पाइसी पसंद करते हैं। तो अब डाल दूँगी मखाने, तो उतने ही रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो सीलन आ जाती है, तो इसलिए थोड़े थोड़े रोस्ट करती हूँ, अदरवाइज़ सर्दियों के लिए मैं थोड़े ज़्यादा भून के रख लेती हूँ। तो चाय भी रेडी है और मखानाज भी रेडी हैं। ये बहुत ही स्पेशल टाइम होता है बुज़ुर्गों के साथ गप्पे मारने का और साथ में चाय एंजॉय करने का। तो पापा को देख सकते हैं, वो कैमरा के सामने कभी नहीं बैठेंगे, हमेशा अवॉइड करते हैं। तो चाय पीने के बाद मम्मा चले जाते हैं मोस्टली गार्डन में प्लांट्स को पानी देने के लिए और मैं किचन संभाल लेती हूँ। लेकिन आज बादल बहुत बना हुआ है, रात को बारिश पक्का होने वाली है, तो प्लांट्स को पानी देके फिर पानी क्यों वेस्ट करना, तो पानी तो मिल ही जाएगा। तो फिर मम्मा लग गए मेरे साथ किचन में, उनको जितना मर्जी बोलते रहो कि मम्मा आप जाओ मैं कर लूँगी, लेकिन नहीं, वो नहीं बैठेंगे। तो बस अब कपड़े फोल्ड करने के लिए बैठ गई हूँ मैं वज्रासन में, साथ साथ मेरा आसन भी हो रहा है और साथ ही गॉसिप्स भी हो रही हैं दोनों लेडीज़ की और साथ ही कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे। तो पाइल्स नहीं बनाती हूँ मैं, आपको पता है, अब साथ साथ कपड़े फोल्ड करती जाऊँगी और सबकी क्लोज़ेट में सेटल भी करती जाऊँगी। में उदय भी ट्यूशन से वापस आ जाता है, भूख तो उसे लगी होती है लेकिन हैवी स्नैक कोई बना के नहीं देती हूँ इस टाइम क्योंकि 1 घंटे में उसे फिर जाना होता है स्पोर्ट्स एकेडमी बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए। तो बस एक नॉर्मल सी स्मूदी बना के दे दूँगी मैं उसे, जिसमें मैंने डाले हैं कुछ आलमंड्स, पपाया और प्रोटीन पाउडर, तो बस वो उसी को पिएगा और फिर एकेडमी जाएगा। आने के बाद उसके पास 1 घंटे का टाइम होता है, तो इस टाइम में मैं उसे वो सब्जेक्ट करवाती हूँ जो वो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहता, लाइक हिंदी और पंजाबी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इन सब्जेक्ट्स में मैं उसकी फिर हेल्प करती हूँ। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, अगर आप भी अपने बच्चे को हेल्प करते हैं स्टडीज़ में तो सबसे पहले अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर लगा दें ताकि कोई भी मैसेज, कोई भी नोटिफिकेशन आपको ना आए, जिससे कि आपको भी डिस्ट्रक्शन ना हो और आपके बच्चे को भी डिस्ट्रक्शन ना हो। अगर आप फ़ोन चेक करते रहेंगे, फ़ोन पर चैट करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपका बच्चा फोकस नहीं कर पाएगा। छोटा वर्ड दिया गया है उसको आपने डिटेल में कैसे लिखना है, उसको बड़ा कैसे करना है, तो संक्षिप्त करके उनसे एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं हमें रेखांकित, रेखांकित को उन्होंने शॉर्ट करके लिखा है, आपने उसको संक्षिप्त में लिखना है, लाइक डिटेल में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, रेखा से अंकित, रेखांकित रेखा से अंकित। इसी तरह से परलोक गमन, परलोक को गमन, मन माना, मन से माना, आपने हर वर्ड को जब डिटेल में करके संक्षिप्त में करके लिखना है तो इसको हम कहते हैं समास। जैसे कि मैं आपको पूछती हूँ अभी, आप बताओ मेरे को, दान पात्र, दान के लिए पात्र, दान का पात्र, ठीक है, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला। चीज़ों को अच्छे से समझाने के बाद उसे लर्न करने के लिए टाइम दें, तो जितना टाइम वो लर्न करेगा उतना टाइम फ्री बैठने के बजाय आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, कोई बुक रीड कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि बुक रीडिंग की हैबिट बहुत अच्छी हैबिट होती है, तो यहाँ मैंने एक नई बुक शुरू की है जिसका नाम है 13 Things That Mentally Strong Parents Don't Do। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, अभी मैंने इसके 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, बाकी रिव्यू मैं आपको पूरी बुक पढ़ने के बाद दूंगी। तो अभी बस टाइम हो गया है उसके एकेडमी जाने का, तो मैं उसका बास्केटबॉल बैग रेडी कर रही हूँ और साथ में वो मेरे साथ गप्पे मार रहा है, तो अब चला जाएगा वो 1 घंटे के लिए एकेडमी। बाद आ गई हूँ मैं किचन में डिनर बनाने के लिए, तो आज बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सा डिनर, धुली हुई दाल बना रही हूँ मूंग और मसूर को मिक्स करके, और बस भिंडी की सब्जी बनाऊंगी साथ में। सब्जी कई बार दोपहर की बच जाती है तो फिर हम उसी को यूज़ कर लेते हैं रात के लिए, लेकिन आज नहीं बची थी सब्जी क्योंकि दोपहर को मैंने कढ़ी बनाई थी, तो अभी धुली हुई दाल बनाऊंगी और साथ में भिंडी की सब्जी। दाल को बॉईल करने रखती हूँ तो साथ ही उसमें डाल देती हूँ हींग पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और साथ ही टोमेटोज जो हैं वो मैं पहले ही कट करके डालती हूँ, धुली दाल में बहुत टेस्टी लगते हैं, और साथ ही डाल देती हूँ ग्रीन चिली कट करके। तो दाल मैंने चढ़ा दी है और इधर मैं काट लूँगी प्याज वगैरह तड़के के लिए। अदरक लहसुन का मैं मोस्टली पेस्ट ही डालती हूँ, लेकिन इस दाल में मुझे अदरक कटी हुई बहुत टेस्टी लगती है तो इसलिए मैं काट के डाल रही हूँ अदरक लहसुन दोनों। दूसरी साइड बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, तो भिंडी की सब्जी बहुत ही नॉर्मल वे में बनाती हूँ मैं। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है, उसको अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें वही धनिया जीरा और ग्रीन चिली डाली है, थोड़ा अदरक मैं ज़रूर डालती हूँ मुझे अच्छा लगता है, और भिंडी मम्मा ने मेरे को काट के पकड़ा दी थी तो बस भिंडी भी डल गई, और साथ में तड़का भून लूँगी मैं दाल के लिए, तो एक साइड पे भिंडी बनती रहेगी दूसरी साइड पे तड़का लगता रहेगा, तो काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है क्योंकि बच्चे दोनों आ जाते हैं एक साथ, पहले उदय आता है बस वो फ्रेश भी नहीं हुआ होता कि तब तक जैस्मिन भी आ जाती है, और दोनों को बहुत भूख लगी होती है तो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट मुझे काम फिनिश करना होता है ताकि वो आएँ और ये ना हो कि खाना रेडी ना हो। तो बस मेरा डिनर भी रेडी हुआ और मेरा मोटू भी आ गया, बेचारी सुबह की 8 बजे की गई होती है और रात को 8 बजे आती है, और बस आते ही मम्मा बस बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी फ्रेश अप होएगी और फिर खाना खाएगी, तब तक मम्मा पापा को मैं खाना सर्व कर देती हूँ, जब तक वो खाते हैं तब तक दोनों बच्चे भी उनको साथ ही में ज्वाइन कर लेते हैं। हस्बैंड के आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब वो आते हैं फिर हम भी डिनर करके और उसके बाद मेरा किचन क्लीनिंग का काम शुरू होता है, तो किचन मैंने यहाँ पे पूरी क्लीन कर दी है, तो रात को चाहे 12 क्यों ना बज जाएं अगर गेस्ट आए हों तब भी मैं रात को ही किचन क्लीन करके सोती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुबह सुबह गंदी किचन दिखती है तो नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं मुझे, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे जब साफ़ किचन मिलती है मॉर्निंग में उठते ही, और क्योंकि मुझे योग करना होता है तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं सुबह किचन क्लीन करूँ, तो एक साइड पर ये सारे नॉर्मल बर्तन और दूसरी साइड पर स्कूल कॉलेज और ऑफिस जाने वालों के टिफ़िन और बॉटल्स भी मैं धो के रख देती हूँ और सुबह तक ये सूख जाते हैं। तो ये थी मेरी इवनिंग टू नाइट रूटीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।